नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं काफी कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लगभग 20 दिन के आसपास हो गया है। क्या है, मेरे घर में कुछ काम था, इस कारण से मैं काम पे नहीं जा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं सिंपल वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और आज की जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हो ये लोहे का रंधा है, इसमें लगा हुआ है डायमंड टैग। तो हमको सिंपल इसको धार करना है। तो देखिए, धार करना उतना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम है, हमारे पास देख सकते हो ये दो डायमंड पत्थर है, देख सकते हो। लेकिन ये जो डायमंड पत्थर है, इसको मुझे खरीदा हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। उसके बावजूद देख सकते हो ये बिल्कुल घिस चुका है, ये काम नहीं करता, ये भी काम नहीं करता। मैं एक नया लेके आया हूँ, देख सकते हो ये मैं नया लेके आया हूँ। ये है अपना कंपनी नाम है यूनिवर्सल कंपनी का है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये नया है, मैंने इसको एक भी बार अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, बिल्कुल नया का नया है। तो दोस्तों समस्या ये है कि हम इसको पहचाने कैसे, कि सही पत्थर कैसे खरीदे। यहाँ पे देख सकते हो इसको मैंने खरीदा था, इसको मैं एक दो बार धार लगाया हूँ, बिल्कुल घिस के चिकना हो गया है, ये काम ही नहीं कर रहा है, ये भी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, इसमें भी धार नहीं होता। तो इसी को हमको समझना है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में कमेंट जरूर करना यार, कमेंट बहुत जरूरी। आप लोग कमेंट नहीं करते, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना जो डायमंड टैग है उसको रंधे से मैंने बाहर निकाल लिया है, और देख सकते हो ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। देखो धार देख सकते हो बिल्कुल नज़दीक से कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। तो इसको मैंने जानबूझ के डैमेज किया हुआ है कि ये कैसा धार लगा पाता है, कितना जल्दी धार लगा पाता है, यही तो हमको देखना है। और ये बात इस पत्थर की दोस्तों, इस पत्थर को कैसे पहचानेंगे कि हम सही पत्थर कैसे खरीदें। देखिए दोस्तों मैं सच बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं जो पत्थर अच्छा लगा मैं उसको खरीद लेता हूं, लेकिन ये चलता नहीं है। अगर आपके पास कोई आइडिया हो, इसमें से कई कारपेंटर भाई देख रहे होंगे, देखिए मेरे पास एक पत्थर है जिसको मुझे खरीदा हुआ कम से कम 7 से 8 साल हो गए, जिसको मैं घर पर रखता हूँ। उसमें सिर्फ मैं अपना जो इलेक्ट्रॉनिक रंधा है उसका मैं जो ब्लेड है डायमंड ब्लेड उसको धार लगाता हूँ। लेकिन इसमें क्या है, डायमंड ट्रैक धार लगाने के लिए मैं ये वाले अलग से और खरीदा हूँ, लेकिन उसको 10 साल के बाद भी अभी भी सही से धार लगता है, उसमें एक भी खराब नहीं हुआ है। और इनको देख सकते हो, इनको खरीदा हुआ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये साल भर भी नहीं हुआ, दोनों पत्थर खरीदा हुआ, दोनों के दोनों खराब हो गया। फिर ये दूसरा कंपनी का मैं खरीदा हूँ, इसको भी देखेंगे कि ये सही से चल पाता है कि नहीं। यदि आपके पास कोई आइडिया है इस पत्थर के बारे में, आप इसके बारे में जानते हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, ताकि हमें भी और हमारे जो व्यूअर है जो देख रहे हैं भाई लोग, कारपेंटर भाई, नए नए कारपेंटर भाई, उन लोगों को पता चल सके कि सही पत्थर कैसे पहचान करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धार लगाने के लिए इस पत्थर के और इस ब्लेड के बारे में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जरूर टिप्स आपको ध्यान में रखना है। कई सारे ऐसा है जिनको नए नए कारपेंटर भाई को नहीं पता है, तो समझ लीजिए कि इसमें धार लगाने के लिए हमको क्या करना है। तो दोस्तों कई कारपेंटर भाई आपको सलाह देते हैं या कई लोग बोलते हैं कि इसको सिंपल ऐसी ब्लेड को रखो, इसमें सिंपल सा इस टाइप से धार लगाओ, तो ऐसा धार आपको कभी भी नहीं लगाना है दोस्तों। ध्यान में रखना, आप ऐसी धार लगाओगे जो इसमें काला काला निकलता है धार लगाते समय, वो बिल्कुल झड़ जाएगा, वह काम नहीं करेगा। जब भी आपको धार लगाना है इसको पानी में डुबाना जरूर, क्योंकि मेरे पास ये पानी है तो मैं सिंपल इसमें इसको डुबा देता हूँ इस टाइप से। और साथ में आप ये वाला जो पत्थर है आपका, जो पानी पत्थर बोलते हैं अपन, जिसमें अपन चौड़ती वगैरह धार लगाते हैं, ये पत्थर को भी डुबा के रखना है साथ में, क्योंकि दोनों के माध्यम से हम धार लगाएंगे। इसमें हम धार लगाने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, इसमें भी धार लगाना है। तो इस चीज़ को समझें दोस्तों, ये ब्लेड को कभी भी सूखी ब्लेड सूखी पत्थर में धार नहीं लगाना है, कोई भी ब्लेड को। तो चलिए इसको पानी में थोड़ी देर डुबा लेते हैं, फिर धार लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा ये पत्थर जो है पानी में डूब चुका है, और देखिए हमने इस टाइप के प्लाई लिया हुआ है। ये पत्थर को रोकने के लिए आप ऐसा कील वगैरह मार के, देखिए मैंने कील वगैरह मारा हुआ है, अटकाने के लिए आप कुछ जुगाड़ इस टाइप से कर लीजिए, इस टाइप से। तो इसमें बिल्कुल ये फंस जाना चाहिए इस टाइप से, और ये प्लाई के किनारे में ही करना दोस्तों, इधर बीच में मत करना, बीच में करते थे मैंने थोड़ा हाथ लगने की चांस रहता है, तो इस किनारे में करना तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें धार लगाते हैं। तो दोस्तों डायमंड टैग धार लगाने से, कोई भी ब्लेड या चाहे चौड़ती हो धार लगाने से पहले आपका जो बैठने का पोजीशन है वो सबसे मेन होता है। तो आप किस टाइप से बैठेंगे, आप जान सकते हो कि आप किस टाइप से बैठते हो। मैं तो जिस टाइप से बैठता हूँ तो मुझे ऐसा बैठने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस टाइप से धार लगाना भी बेटर होता है मेरे हिसाब से। तो चलिए अब धार लगाते हैं, इसको भी पानी में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और धार लगाइए जैसे कि हम उस पत्थर में डालते हैं। और जैसे आप धार लगाते हो आपका जो ये जो चप्पल है बिल्कुल हटा के रखना, और हाथ को ऐसा ऐसा नहीं हिलाना है, ऐसा ऐसा बिल्कुल सीधा सीधा आपके हाथ चलना चाहिए ऐसा। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा हिलाते रहते हैं, तो ऐसा ऐसा आप हिलाते हो तो आपको बिल्कुल धार परफेक्ट नहीं लग पाता। आपको सिर्फ ये जो ब्लेड है सीधा चलना चाहिए इस टाइप से। देखिए मैं जैसे चला रहा हूँ, देखिए ये बिल्कुल सीधा जाए, सीधा जाना चाहिए, सीधा आना चाहिए इस टाइप से। और इसी टाइप से आपको इसको रगड़ना है,
तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों, ये जो हमारा पत्थर है काम कर रहा है। आप ये जुगाड़ ना दोस्तों अच्छे से कोई पट्टी वगैरह ठोक लेना इस टाइप से, क्योंकि मैं कील डाला हुआ तो बार बार बाहर निकल जा रहा है। आपको इसको फिक्स बनाना है, मैं तो ऐसी टेम्परी बनाया हूँ। बाकी अभी तो ये धार हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे अच्छे थे धार लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग से धार लगाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो आपको क्या करना दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है, आपको एक साथ ऐसा रगड़ना है इसमें पत्थर में, और अच्छे से इसको जिस टाइप का आपका चप्पल है उस टाइप से रख के आपको एक लेवल में हाथ चलाना है। ऐसा ऐसा घुमा घुमा के नहीं चलाना है, बिल्कुल चारों तरफ चलाना है ना, एक तरफ नहीं, इसके पत्थर के चारों तरफ चलाना है, ताकि एक ही तरफ गड्ढा ना पड़े इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जितना भी हमारा टूट था, देखिए भयंकर डैमेज था ये, अभी भी कोना टूटा हुआ है देख सकते हो। लेकिन हम इसको ज़्यादा और नहीं घसेंगे, क्योंकि अब डायमंड तक जो है खराब हो जाएगा, ज़्यादा घसने में मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत और इसको घसेंगे हल्का सा और लेवल कर लेते हैं, फिर इसको हम फिनिशिंग करेंगे। अभी देखिए हमारा धार अच्छे से लग चुका है, बढ़िया से देख सकते हो, और ये हल्का सा बीच अभी गोल है। तो आप ध्यान रखना कि बीच गोल ना हो, ये पहले से गोल हो, क्योंकि दूसरे लड़के ने इसको धार लगा दिया था पिछली बार, तो उन्होंने गोल कर डाला था। इसको मैं सीधा करूँगा अभी धार लगा के। तो चलिए थोड़ा सा और घस लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा जो ब्लेड है तरीके से धार हो चुका है, और यहाँ पे कोना टूटा हुआ है। तुम्हें पहले भी बताया था कोना टूटा हुआ है, लेकिन इस कोने में हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, हमको माइका वगैरह रंदा लगाने के लिए इधर यहाँ यहाँ का जरूरत पड़ता है। तो ये हमारा बराबर हो चुका, जो गोल था अपना बीच भी मैंने सीधा कर दिया। अब देखिए ये इसमें तो धार लगा ली दोस्तों, इस पत्थर में, तो पत्थर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसको हम धो लेते हैं एक बार। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी इस पत्थर में आप धार लगाओ, पानी डाल के लगाना, तो आपका पत्थर बहुत लंबा समय तक चलेगा। आप सूखा लगाते हो तो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये अपना तो धार लग गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, अपन ये वाला पत्थर लेते हैं। ये देखिए हमने ये वाला पत्थर लिया, ये इस पत्थर में हम जो है कहना चौड़ती वगैरह धार लगाते हैं, पानी पत्थर है। अब क्या करेंगे, इसको धार लगाने के बाद हम इसमें जो चिकना साइड है इधर, जो थोड़ा मोटा साइड में हमको नहीं, जो बारीक साइड है, उस साइड को हमको एक बार इसको हल्का सा फिनिशिंग करना है, जैसा हमने उसमें किए थे। तो फिनिशिंग करेंगे दोस्तों, तो ये जो जो टेग है वो बहुत लंबा चलेगा, धार भी बहुत दिन चलेगा, क्योंकि इसमें हल्का सा उस ये वाले पत्थर में धार हल्का सा टूटा टूटा नजर आता है, देख सकते हो, हल्का 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 हल्का, बिल्कुल फिनिशिंग धार नहीं होता इसमें, जैसे भी आप लगा लो, लेकिन इसमें फिनिशिंग, बिल्कुल फिनिशिंग कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये वाले पत्थर को यूज करें, और हल्का हल्का इसको हल्के हाथों से मस्त आराम से इसको धीरे धीरे इसमें फिनिशिंग करें। जैसे ही आप फिनिशिंग करेंगे दोस्तों, इतना अच्छा बेहतरीन धार हो जाएगा इसमें कि पूछो मत। इस साइड में लगा लिए एक बार हल्का हल्का, इधर भी हम इस सही से हल्का हल्का घिसेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं घिसना है, बिल्कुल हल्का हल्का, हमको धार को बस फिनिशिंग करना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब इस धार की क्वालिटी को आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए जितना भी हल्का हल्का टूट आपको नजर आ रहा है, देखिए मेरी उंगली के जस्ट सामने में, लेकिन बिल्कुल एक भी नहीं है, बिल्कुल फिनिशिंग हो गया है। देखिए एकदम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हो, धार भी अच्छे से लग चुका है, देख सकते हो यहाँ पे एकदम अच्छे से बहुत ज़्यादा धार लग चुका है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो है धार लग चुका है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं धार लगाने में। जो मैं टिप्स बताया हूँ उसको बस फॉलो करना। तो दोस्तों इस पत्थर को पहचानने का मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार यूज़ किया है, लेकिन देखिए ये बताने जो लायक बातें नहीं है, क्योंकि इसमें दुकानदार को नुकसान हो सकता है। जब भी मैं पत्थर खरीदता हूँ तो चुपके से मैं एक कील वगैरह पकड़ रहता हूँ, किनारे को ना खरोच के देखता हूँ इस टाइप से। जैसे ये कील में अगर उखड़ गया, ये जो अपने दानेदार एक कील से उखड़ गया ना, तो समझ जाए पत्थर नहीं चलेगा, और जो नहीं उखड़ा अगर कील घिस गया तो ये पत्थर थोड़ा चलेगा, क्योंकि इसमें कील यहाँ पे मैं खरोच के देखा था इस टाइप से, तो कील जो है इसमें घिस गया था, ये बिल्कुल उखड़ा नहीं। और कई पत्थर ऐसा था, मैंने दो तीन पत्थर पे और यूज किया था, जो यहाँ से कील मारने से मार्किंग पड़ गए थे, निकल गया था। तो ये चीज़ मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये बताने लायक तो नहीं है, हो सकता है उन्हें गाली भी पड़ जाए दुकान वालों की तरफ से कि वो आप ऐसा करते हो बोल के, लेकिन फिर भी चलिए बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, हम ये इस टेक को इस रंधे में फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको माइका एक बार रेंज के दिखाते हैं कि फिनिशिंग करके कैसा ये रंधा चल अपना ब्लेड चल रहा है अपना टेक जो है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस रंधे में डायमंड टेक अपना फंसा दिया है, और इस ब्लेड को मैंने अभी कम रखा हुआ है, आपको एकदम ज़्यादा ब्लेड नहीं निकालना है। और ये अपना जो माइका देखिए, माइका जो बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल उड़ा हुआ है, देख सकते हो बिल्कुल टूटा टूटा दिख रहा है आपको। अब इसी को फिनिशिंग करेंगे। तो क्या है दोस्तों, रंधा आप एक बार चला के देखिए इस टाइप से, अगर नहीं पकड़ते तो हल्का सा ब्लेड फिर बाहर निकालिए, एक बार में आपको नहीं निकालना है, हल्का हल्का करके निकालना है, और एकदम कम ब्लेड से ही आपको फिनिशिंग करना चाहिए। तो देखिए अपना ब्लेड थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मार जोर से मैंने इसको,
निकाल दिया था। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से अपना चेहरा, अभी थोड़ा सा ज्यादा ब्लड लग रहा है मेरे को। तो ये देखिए बिल्कुल आप इस टाइप से कलम ब्लेड निकाल के आपको इसमें अंदर करना है। हमारे पास कलर माइका तो नहीं है दोस्तों, ये हिनरी माइका है, अभी फिलहाल के लिए कलर माइका नहीं आया हुआ है। तो सिंपल हम इसी को हमको रंदा लगा के आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। रंदा आपको बिल्कुल सीधा सीधा लगाना चाहिए, बार बार खींच खींच के नहीं लगाना चाहिए। और बिल्कुल इसको हल्के हाथ से धकेलना चाहिए, रंदा को जोर से नहीं धकेलना है, ताकत के साथ आपको हल्का हल्का धकेलना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लेड है ये खुद ही रंदा लगाते हुए चलता है हल्के हाथ से। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दो तीन बार लगाने के बाद ये बिल्कुल फिनिशिंग हो गया, देखिए तो एक भी टूटा आपको नजर नहीं आएगा, मतलब हमारा जो ब्लेड अच्छे से धार हो चुका है, देख सकते हो। देखिए एक भी आपको टूटा हुआ कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अगर इसको मैं हल्का सा एक आध बार और मारूंगा तो बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। तो देखिए इधर भी देखिए शाइनिंग अच्छे से अपना कलर बिल्कुल काला कलर मस्त शाइनिंग के साथ दे रहा है, देख सकते हो। ये वाला कहीं में क्या होता है, धार बिगड़ जाता है तो ये दरदरा हो जाता है, बिल्कुल दानेदार दिखता है, और इधर भी फिनिशिंग नहीं आता है। तो बस दोस्तों यही था अपना। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे मेरे ख्याल से। अगर सीखे होंगे सच में आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ मुझे समझ में आया है, मुझे ये वीडियो अच्छा लगा। बाकी हम इसी टाइप से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।